नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज चर्चा करेंगे कांग्रेस का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या रहेगा। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, टोटल आया 8। तो इनकी जो न्यूमरोलॉजी की दशा है वो 8 से स्टार्ट हुई, यानी 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती चली जाएगी। तो अब 2020 में इनका जो है वो साइकिल ख़त्म हुआ है 45 वाला। अब 2020 से लेकर 2028 तक चलेगा इनका सैटर्न का टाइम पीरियड, शनि का। तो शनि इनका बहुत स्ट्रांग है, टोटल भी शनि है इनका अगर देखो तो, और 4 times इसमें 8 है। तो निश्चित रूप से अब जो है वो कांग्रेस की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और इनकी सीटें बढ़ेंगी, और अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में अब कांग्रेस पार्टी आएगी, क्योंकि इनका जो 8 है वो एक्सट्रीम रिजल्ट देगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम फेलियर तो देख ही लिया आपने, देख ही लिया कि पार्टी एकदम ख़त्म होने के कगार पर आ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें रिवाइवल होगा। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम और डिस्कस करते रहेंगे और आगे हम सभी पार्टियों का एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।